हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहें। सो आज इस वीडियो में जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नवंबर 2020 यूजीसी नेट में क्या क्वेश्चंस और पूछे गए थे। तो इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी मैच द फॉलोइंग है, जैसे कि मैंने आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन ए स्टार एल्गोरिदम पे करवाया था। तो यहाँ पर आपको टॉपिक्स मिलेंगे ब्रांच एंड बाउंड, स्टीपेस्ट एसेंट, हिल क्लाइंबिंग, कॉन्स्टेंट, सेटिस्फेक्शन एंड मीन्स एंड एनालिसिस। इन चारों की जानकारी है, देन ओनली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। बट अगर मैं सिर्फ देन ओनली वर्ड का यूज़ करूँ तो ये गलत होगा। अगर आपको इनमें से किन्हीं दो के बारे में भी अच्छी खासी या थोड़ी बहुत लेकिन क्लियरिटी के साथ नॉलेज है, देन अगेन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन, वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। प्लेलिस्ट ऑलरेडी रेडी होगी नवंबर 2020 यूजीसी नेट पेपर 2 के क्वेश्चंस की, तो प्लीज़ आप उस लिंक को जाकर देखें, क्योंकि वहाँ पर सभी क्वेश्चंस को एक साथ एक सीक्वेंस में लगाया गया है विद डिटेल सॉल्यूशन। ओके, चलिए तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच द फॉलोइंग में आपको पता है ये दो लिस्ट होते हैं। यहाँ पर लिस्ट वन आपके एल्गोरिदम्स के लिए हैं एंड लिस्ट टू उनके डिस्क्रिप्शन के लिए। आपको उनकी अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करना है, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चार ऑप्शन है आपके सामने, राइट। अब मैं यहाँ पर ऑप्शन सी के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप ऑप्शन में भी लिस्ट टू को भी ध्यान दें तो कॉन्स्टेंट के बारे में यहाँ पर बात की गई है। डिस्कवर्स प्रॉब्लम स्टेट्स दैट सेटिस्फाई अ सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, मतलब कि कुछ जो रूल्स लगाए गए हैं उसको सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स कि सी का थर्ड होगा, बट यहाँ पर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन में आपको सी का थर्ड हर जगह पे गिवन है, राइट। तो यहाँ पर सोल्यूशन नहीं मिला, बट ये जो ऑप्शन है जो मैंने आपको तरीका बताया कि क्योंकि हम यहाँ पे श्योर एक कांस्टेंट की ही बात की जा रही है, राइट। तो अगर ऐसा होता कि थर्ड हर जगह पे नहीं होता तो आप एलिमिनेट कर सकते थे, राइट। अब आगे यहाँ पे बात करते हैं ब्रांच एंड बॉन्ड की। अब लाइक मान लेते हैं ब्रांच एंड बॉन्ड के बारे में बात करें तो ये एक तरीके का ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम को कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं क्विकली, ये ब्रांच एंड बॉन्ड कहता है। तो लेट्स चेक, हमें ये तो चेक नहीं करना पड़ेगा, इतना श्योर हो गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर नीचे से चेक करें, ब्रांच एंड बॉन्ड की जैसे बात की जा रही थी कि ये एक अप्रोच है जहाँ पर टोटल सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है, उनको हम कितने स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ सॉल्यूशन में डिवाइड कर दें ताकि हमें एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल सके, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें ताकि एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल सके ब्रांच एंड बॉन्डिंग करके। ये इसका वर्किंग होता है, इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। अब देखो ये प्रिंसिपल कहाँ पे फॉलो हो रहा है। कंसिडर्स ऑल मूव्स फ्रॉम करंट स्टेट एंड सेलेक्ट बेस्ट मूव। ऐसा तो नहीं कर रहे हम लोग सभी स्टेट पे जा रहे हो और बेस्ट वाले को सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे तो हम स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ना, सो ये तो नहीं हो सकता है इन केस ऑफ ब्रांच एंड बॉन्ड। नाउ डिटेक्ट्स डिफरेंस बिटवीन करंट स्टेट एंड गोल स्टेट। अगेन यहाँ पर डिटेक्शन का काम तो होता ही नहीं है। सो फर्स्ट चेक करते हैं, कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल पार्शियल पाथ्स विच कैन बी कैंडिडेट फॉर फर्दर एक्सप्लोरेशन। एब्सोल्युटली ब्रांच एंड बॉन्ड में यही तो कर रहे थे हम लोग कि बहुत सारे छोटे छोटे हम सबसेट्स क्रिएट कर रहे थे एंड देन चेक करते थे कौन हमें ऑप्टिमल पाथ देगा ताकि हम उसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर एक्सप्लोर करें, राइट। तो सभी पाथ्स वहाँ पे पार्शियली होते थे, हम उसमें से जो बेस्ट वाला हमें लगता था देन हम उसको आगे लेकर एक्सप्लोर करते थे, बट हम पार्शियली बहुत सारे पाथ्स क्रिएट करते थे, राइट। सो इसीलिए ऑप्शन ए का फर्स्ट होगा। लेट्स चेक, ऑप्शन ए का फर्स्ट इज इन दिस फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये दोनों आपके हो जाते हैं एलिमिनेट। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि बी और डी के बारे में, ठीक है। अब हमें क्या सेलेक्ट करना है, तो इतना ध्यान रखो, इसको हम हटाते हैं और अभी जो करंट स्टेट पे उसको देखते हैं। तो हमारे ये दोनों ऑप्शंस हट जाते हैं, राइट, और हमने यहाँ पर ए का फर्स्ट हो गया है और सी का थर्ड हो गया, इतना हमने फिक्स कर लिया। अब इन दोनों के बारे में कितनी नॉलेज है आपको वो जानने की ज़रूरत है, राइट। तो अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम की। तो ये क्या करता है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इसके केस में बात करें, ये करता क्या है, ये सबसे पहले जितने भी नेबरिंग नोड होते हैं, ठीक है, लाइक मान लो ये एक नोड है तो इसका नेबरिंग ये हुआ और ये हुआ, तो जितने भी नेबरिंग नोड्स होते हैं उसको एग्जामिन करता है एंड देन उस नोड को सिलेक्ट करता है जो कि नेक्स्ट नोड के सॉल्यूशन स्टेट से काफ़ी क्लोज हो, ठीक है, ठीक है। मतलब कि एक तरीके से कहते हैं रैंडमली ये सिलेक्ट करता है एंड डिसाइड करता है कि
इसके कौन से नेबर पे जाना चाहिए, मतलब नेबरिंग पे ये बहुत ज्यादा ही फोकस करता है, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट। अब और वो क्या करता है, नेक्स्ट स्टेट में उसका फिर से वही सेम चीज होता है, लाइक मान लो इसके लिए इसने सर्च किया, अब इसके ऊपर आ गया तो इसके लिए वो नेबरिंग नोड को सर्च करेगा, अब ये इसका करंट स्टेट बन गया है और अगला उसका डिटरमाइनिंग, ठीक है, डेस्टिनेशन कह सकते हैं। तो इस तरीके से काम करते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग, मतलब एक जगह पे पहुंचे, पहले इस पे पहुंचे, देन इस पे पहुंचे, देन इस पे पहुंचे, इस तरीके से काम हो रहा है। तो कहाँ पे ये इस तरीके से वर्क कर रहा है, तो कंसिडर्स ऑल मूव्स फ्रॉम करंट स्टेट एंड सेलेक्ट बेस्ट मूव, ठीक है, मतलब कि करंट स्टेट के दोनों नेबर्स को उसने देखा, जो सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा होगा उस पर पहुंच जाता है, है ना, वही हो रहा था यहाँ पे। तो इसीलिए आपका बी का फोर्थ हो जाता है, बी का फोर्थ कहाँ पर है, तो बी का फोर्थ ऑटोमेटिकली ऑप्शन वन में है, है ना, और कहीं पे है क्या, नहीं है ना, तो ये हो गया आंसर। अब मींस एंड एंड एनालिसिस की बात कर लेते हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये कैसे काम करता है, तो यहाँ पर बैकवर्ड सर्च टेक्निक का भी यूज करते हैं एंड फॉरवर्ड सर्च टेक्निक का भी यूज किया जाता है, राइट। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है, दोनों चीज़ें यहाँ पर यूज की जाती हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम में जो भी लिमिटिंग सर्च होता है ना उसके लिए इसको हम यूज़ करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये किया जाता है इसके थ्रू। तो इसके लिए बचा क्या, डिटेक्ट डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड गोल स्टेट, राइट, इस तरीके से काम करता है। तो ऑप्शन वन विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एंड ऑप्शन वन विल बी योर करेक्ट आंसर। सो इसी तरीके से और भी कई सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो मस्ट चेक द प्लेलिस्ट एंड वीडियो, पसंद आता है लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल्स पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।